नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। नागपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल की पदाधिकारी सना खान 1 अगस्त से जबलपुर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत मां ने पुलिस को दी। इस मामले में नागपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक संजय शर्मा को इस मामले में नोटिस भी जारी किया, जिसके लिए आज वे नागपुर में आए हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें पूछताछ में सहयोग करने के लिए भी कहा है। इस दौरान सना खान की मां ने मीडिया से बातचीत की। बता दें कि नागपुर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सना खान मध्य प्रदेश के जबलपुर से लापता हुई थी। उसके बाद उसकी हत्या की बात भी सामने आई, जिसके लिए नागपुर शहर की पुलिस जबलपुर भी गई। नागपुर के जोन 2 के डीसीपी राहुल मद्दे ने बताया कि कांग्रेस के विधायक संजय शर्मा को पूछताछ के लिए नागपुर आने को कहा गया है। उनसे पुलिस ये जानना चाहती है कि सना का मर्डर करने के बाद अमित साहू उनसे मिलने गया था या नहीं। इस संबंध में विधायक महोदय को नोटिस भी दिया गया, साथ ही इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए। सना खान इस मामले में लिप्त आरोपियों के बारे में जब उनकी मां से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब मीडिया को दिया। देखिए, उनको बुलाया था, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी मौजूद। उनसे क्या बातचीत हुई डीसीपी साहब की, वो सिर्फ वही जानते हैं। उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। अब मेरे से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आपसे क्या बातचीत हुई, वही सना के मुतालिक ये बात हुई है, कब गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, और घर से कौन से तारीख को गई, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या हुआ। अब ये तो सब प्रकरण को आप जानते हैं। बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं फरियादी हूँ उसकी माँ, और ये जो अभी हिना के मसले को लेके, मामले को लेके हनी ट्रैप से जो ये किया जा रहा है, तो मैं नाम लेना चाहूँगी। आज तक न्यूज़ के शम्स ताहिर, जिसने 1 घंटे की वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें उसने कहा है कि सना खान और अमित ये दोनों जो है वो मिलकर व्यापारियों से, नेताओं से, या जिसको भी ब्लैकमेल करते थे, और उसका उसके पास 10 या 12 सिम थे और करोड़ों रुपए जो उससे कमाए। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ उसको किसने दिया। फरियादी मैं हूँ, क्या वो मेरे पास पूछने आया था? आप लोग मेरे पास आए थे, इस मैंने आपको ये बताया कि सना के पास में 10 से 12 सिम थे, या कोई पुलिस वाले छोटे पदाधिकारी से लेके सीपी साहब ने आपको ये कहा, किसी डीसीपी, किसी एसीपी, किसी पीआई मैडम ने आपसे ये कहा कि उसके पास 10 से 12 सिम थे? नहीं। दूसरी बात, वो अगर वहाँ बोल रहा है कि ब्लैकमेल करती थी, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो आज मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 21 लाख रुपये की कर्जदार हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं ICICI बैंक से हूँ, 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं हमने मकान ली हूँ 32 लाख का, उसका मुझे देना है, 2.5 लाख की कर्जदार मैं जो हूँ बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ज्वेलरी रखी है। अगर जिसकी बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आता है, वो हनी ट्रैप में अगर शामिल थी, तो फिर मैं 21 लाख की कर्जदार कैसे? मेरे पास प्रूफ है। तो इस मसले को, हिना का मर्डर हुआ है, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है, और डेड बॉडी नहीं मिलने के बावजूद हमारे घर को हम किस कैसा फेस कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमको समाज से सामना पड़ रहा है। जब आपके द्वारा सोशल मीडिया का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, पत्रकार मीडिया का रहता है, तो एक अच्छी खबर, एक सच्ची खबर जो है समाज में जाना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, तो ये बात समाज नहीं जाते हुए लोगों तक के अगर गलत बात जाती है, हनी ट्रैप की बात जाती है, तो हम समाज से कैसे फेस करें? देखिए, पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका हर तरह से सपोर्ट है। मैं अमितेश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो अपने लेवल पे पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो जो इस शक के दायरे में है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, महाबली हो, चाहे वो विधायक हो, सबको बुला के पूछा जा रहा है, और ये सबके साथ ये बोला गया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। बाकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है, मैं जो बोलती हूँ उसका एक एक वर्ड जो है आप दिखाएंगे, और अगर पत्रकार मीडिया है तो वो छापेंगे, उससे ज़्यादा या कम अगर दिखाया गया, छापा गया, तो मैं लीगल नोटिस सबको दूँगी। मदने साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जिस दिन मेरी मैं जबलपुर के लिए रवाना हुई, 1 तारीख को मेरी बेटी गई, और मैं 2 के रात में जब रवाना हुई,
तो उस वक्त मैंने सीपी साहब को फोन किया था कि मेरी बेटी 30 घंटे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो कुछ पता नहीं लग रहा, और उपराष्ट्रपति आने वाले थे तो सब पुलिस अरेंजमेंट जो है उनमें लगा था। तब मैंने मदने साहब से पहली बार 5 मिनट बात की थी, तो आज वो हालात जानने के लिए कैसा हुआ क्या हुआ इसके लिए मुझे बुलाया। बिल्कुल नहीं, आरोपी अलग थे, जितने भी आए थे वो उसका पर्सनल उनसे बयान लिया गया, जो आए थे विधायक संजय शर्मा उनका अलग लिया गया, हम लोग अलग बैठे थे, एट लास्ट हमें बुलाया गया और हमसे बातचीत। वो यहाँ के लीडर थोड़ी है जो मैं जानूंगी उनके बारे में क्या कहना है मेरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो 24 दिन हो गए डेड बॉडी मिले, और जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है, और ये महाराष्ट्र पुलिस जो तह तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो आरोपी है मेन उसको जो है फांसी, बस मैं यही चाहूंगी। सना खान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए आरोपी जबलपुर निवासी कमलेश पटेल और रब्बू उर्फ रविशंकर यादव बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की संख्या हो चुकी है और सभी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।